नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के दतिया से आज केंद्रीय मंत्री एसपी एस बघेल ने प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत दतिया स्थित विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद की। जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री एसपी एस बघेल चार राज्यों में लेकर जाएंगे। दतिया से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करके हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का मंच पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने असरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से केंद्रीय मंत्री एसपी एस बघेल के मिलनसार और सादगी वाले व्यक्तित्व से पार्टी कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। साथ ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अटल जी की कविताओं को गुनगुना कर जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री को बुलाया। मंच पर भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमती संध्या राय के अलावा पार्टी के कई विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। राज्यों को कवर करने वाली भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में हर वर्ग क्षेत्र जाति को शामिल कर जो गुलदस्ता तैयार किया गया है उस गुलदस्ते की शोभा बढ़ाते हुए पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री की जन विकास की नीतियों को जनता के बीच ले जाने का कार्य इस यात्रा के जरिए होगा और पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी वर्ग विशेष के लोगों को जोड़ने का काम भी होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी जात क्षेत्र धर्म खास स्थान दिया है। ओबीसी के 27 सांसदों को मंत्रिमंडल में लिया गया है। इसके साथ ही 11 महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य बताया कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें सर्वहारा वर्ग का एक बड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता था। इसके साथ ही महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने से परहेज किया जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूती प्रदान करते हुए महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर उनके सम्मान का खास ख्याल रखा है। राजनीतिक व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपनी पार्टी को ताकत देने के लिए जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, यद्यपि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है लेकिन मैंने तो गौनी अपनी कर ली, वेल ब्रिगेड इज हाफ डन। इतना अच्छा समाज के और पार्टी की जब प्रेम है तो पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम के साथ अगर वो कहा है कि देश कौन सा काम करता है, तो ये भी मैंने आह्वान किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी जात क्षेत्र वर्ग धर्म एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। गुलदस्ता खूबसूरत वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। आप देख रहे होंगे 27 ओबीसी के सांसद मंत्री बनाए गए हैं, 11 महिलाएँ, तो यह कहते थे कि महिलाएं हर जात की पिछड़ी होती हैं चाहे वो अगली जात की हो, 11 महिलाओं को मिला और बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनको मिले। पूर्ववर्ती सरकारों में महिला को महिला एवं बाल विकास तक सीमित कर दिया जाता था, तो वो रेल का भी, रेल में भी हैं, फाइनेंस में भी हैं, HRD में भी हैं, महिला एवं बाल विकास तो वो देख ही गई हैं, IT में हैं, हेल्थ में हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में महिला जो है प्रतिनिधित्व मिला है। उसी के साथ हम लोग, मेरा सौभाग्य है कि मैं संयोग से 4 राज्यों में जा रहा हूँ, जिसमें आज मध्य प्रदेश की भिंड दतिया लोकसभा, ग्वालियर लोकसभा हो जाएगी, कल मैं मुरैना लोकसभा और धौलपुर लोकसभा करूँगा, उसके अगले दिन फिरोजाबाद लोकसभा में, फिरोजाबाद, सुखाबाद, जसराना, सिरसा, गंज और कुंडला करूँगा, उसके अगले दिन हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा, कृष्ण पाल गुर्जर जामनपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, होडल, पलवल, उसके बाद मथुरा लोकसभा की छाता पोछी कला, उसके बाद अपनी लोकसभा में जाऊँगा। तो आपने देखा होगा कि हमने इसका, आज जो लोग आए हैं उसका कोशिश करी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लाभकारी योजना उन्हें बताएं, स्वयं लाभार्थी वो बने। पात्रता रखने की स्थिति में मुझे आज थोड़ा दुख हुआ है कि लोगों ने बीमा नहीं कराया स्वयं का। फिर एजुकेशन पर मैंने अब विस्तार से अपनी बात, तो चूँकि मैं जिस समाज का हूँ तो होलकरों का इतिहास भी बताया, जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। सम्मेलनों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है। फिर मेरे जैसे लोग इस इतिहास को घूम घूम के लोगों को पढ़ते हैं, लिखते हैं। जो उनकी सादगी थी, जो उनकी सहृदयता थी, जो मिलनसारता थी,
वो आज भी कायम है और वही सादगी मन जीतने की कला इंसान को इस स्थान पर ले जाती है। अटल जी अपनी कविता में कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना ही मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। ये मैदान जीतने की उनकी एक कला है, उसके लिए आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से दतिया में आ गए। हमारी होलकर सेना के जो नौजवान है बघेल साहब, मेरी बड़ी बैठक खड़ा नहीं होना है, आपकी ना बड़ी हमारी सरकार है और ये सब आपको सुनना चाहते हैं। हमारे दतिया में सहयोग ये था कि